हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अमृता मिश्रा। अमृता मिश्रा डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बताने जा रही हूँ ढोकले की रेसिपी, वो भी कुकर में हम कैसे खमन ढोकला अपना बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। रेसिपी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। ढोकला बनाने के लिए लिया है हमने 200 ग्राम बेसन लिया है। अगर मेजरमेंट के हिसाब से देखें तो 2 कप बेसन होगा, ये 200 ग्राम बेसन है। अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है, इसमें 1 इंच अदरक है और 2 हरी मिर्च है, इसको हमने पीस लिया है। ये नमक है, नमक आपको स्वाद अनुसार लेना है। हमने लिया है 3 चम्मच वेजिटेबल ऑयल लिया है, कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं आप। और हमने लिया है 2 चम्मच नींबू का रस और हमें 1 चम्मच इनो लगेगा, एक या तो एक सैशे भी आता है आप वो एक ले सकते हैं, नहीं तो इसमें से बड़ी शीशी में से 1 चम्मच इनो लगेगा हमें। तड़के के लिए हमें लगेगा 1 चम्मच राई, करी पत्ता 15 से 20, हरी मिर्च 3 हमने लंबाई लंबाई में काट ली है, चीनी 2 चम्मच और धनिया की पत्ती गार्निशिंग के लिए। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में हम बेसन निकाल लेंगे और उसके बाद पानी धीरे धीरे करके डालेंगे और अच्छे से इसको मिला लेंगे कि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें ये कोशिश करनी है कि इसमें एक भी गुठलियाँ ना पड़े, इसीलिए मैंने विस्कर का यूज़ किया है। मैं आपको कंसिस्टेंसी इसकी दिखानी चाहती हूँ। ये देखिए इसकी ऐसे ही फ्लोइंग कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, ये ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसमें नींबू का रस लेके डाल देंगे, नींबू के रस से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट लेके डाल देंगे, नमक डाल देंगे, नमक आपको स्वाद अनुसार डालना पड़ेगा, 1 चम्मच हमें वेजिटेबल ऑयल लेके डाल देना है। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इस मिश्रण को ढक के 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब इनो डालने से पहले अपने ढोकले के मिक्सचर में हम अपना कुकर तैयार कर लेंगे। इस कुकर में हमने 1.5 गिलास पानी लिया है और कोई भी दूध का स्टैंड आप लेके ऐसे ही रख दीजिए और पानी को अच्छे से गर्म होने दीजिए, उसके बाद ही हम अपना इनो डालेंगे। पहले हम पानी अच्छे से तैयार कर लेंगे, अपना जो बर्तन है उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब जिस बर्तन में हमें अपना ढोकला बनाना है उस बर्तन में ऑयल लेके अच्छे से इसको ग्रीस कर देंगे, चारों तरफ ऑयल इसका अच्छे से लगा देंगे कि ढोकला हमारा आराम से निकल जाए। ये देखिए अब इस मिश्रण में हम 1 चम्मच इनो पाउडर लेके डाल देंगे और इसको अच्छे से हिला लेंगे कि हमारा मिश्रण अच्छे से, ये इनो जो है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। देखिए इसमें इनो डाल के मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब अपना मिश्रण लेकर के हम जिस बर्तन में ढोकला बनाना है उस बर्तन में लेके डाल देंगे। मिश्रण को हमने डाल दिया है, एक बार इसको लेके अच्छे से टैप कर देंगे कि ये जो है ये हमारा समतल हो जाए अच्छे से, और इसको अब अपने कुकर में डाल देंगे बिना देरी किए हुए। देखिए कुकर में पानी अच्छे से गर्म हो गया है, अब हल्के हाथ से बहुत ही संभाल के हम अपना इसमें लेके डाल देंगे। ये देखिए इस मिश्रण को मैंने लेकर के अपना जो डिब्बे सहित लेके कुकर में रख दिया है। अब हम इस पर ढक्कन लगा देंगे और इसमें मैंने सीटी नहीं लगाई है, इसको मीडियम फ्लेम पे हम 20 मिनट तक पका लेंगे। रबर लगा है बट सीटी इसमें नहीं लगी है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट के लिए पकने देंगे। 20 मिनट हो चुका है, अब हम गैस बंद करके चेक कर लेंगे कि हमारा ढोकला अच्छे से पका है कि नहीं। अब हम ढोकले में चाकू डाल के देखेंगे। ये देखिए चाकू एकदम साफ निकला है, यानी कि ढोकला हमारा अच्छे से पक गया है। अब हम इसको निकाल के 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। अब हम अपना तड़का तैयार कर लेंगे। उसके लिए एक पैन में हम 2 चम्मच ऑयल लेंगे और उसको ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें अपनी राई डाल देंगे, इसको अच्छे से तड़कने देंगे, करी पत्ता डाल देंगे, लास्ट हरी मिर्च डाल देंगे। अब इस तड़के में हम 1/2 ग्लास पानी लेके डाल देंगे और अपनी चीनी लेके इसमें डाल देंगे, चीनी हमने 2 चम्मच डाली है, और बहुत ही हल्का सा 1 पिंच हम नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक ऑलरेडी हमने डाला है, बस 1 पिंच नमक डाल देंगे और चीनी के घुलने तक इसको अच्छे से पका लेंगे तड़के को। चीनी हमारी अच्छे से घुल चुकी है, अब हम गैस बंद कर देंगे। ढोकला हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम साइड से ढोकले को ऐसे ऐसे कर देंगे, निकाल देंगे कि जिससे ये हमारा आसानी से निकल जाए। अब हमें क्या करना है, एक प्लेट पे लेके इसको उल्टा ऐसे ही कर देना है, ऐसे ऐसे टैप करना है। ये देखिए कितना सुंदर हमारा ढोकला बन के तैयार हो गया है, ये देखिए कितना फ्लफी तैयार हुआ है। अब जो हमारा तड़का है हम इस पे अच्छे से डाल देंगे, इससे क्या होता है वो अंदर तक जूस अच्छे से चला जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है हमारा ढोकला, एकदम मार्केट जैसा ढोकला लगता है।
अब धनिया की पत्ती के साथ इसको गार्निश कर देंगे। ये देखिए, मैं आपको निकाल के दिखाना चाहती हूँ कितना सुंदर बना है हमारा ढोकला। ये देखिए, बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही टेस्टी लगता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ढोकले की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, बाय।